आज मैं आपके साथ चार अलग अलग रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आपकी सिर्फ 10 मिनट के अंदर बन जाएंगी। उसमें से पहली रेसिपी है सैंडविच की रेसिपी, जो आपको पिज्जा का फ्लेवर भी देगी और जिसे बनाने के लिए सैंडविच चटनी की जरूरत भी ना पड़े। और हमारी दूसरी रेसिपी है टोमेटो राइस। हमारी तीसरी रेसिपी है गेहूं का आटा और वेजिटेबल से भरा हुआ ऐसा नाश्ता जिसको ना तलने की जरूरत है और खाने में बड़ा क्रिस्पी और स्वादिष्ट लगे। और हमारी चौथी रेसिपी है हरे मूंग जो होते हैं उसका ढोकला, जो बनाने में भी इजी है, खाने में स्वादिष्ट लगता है और स्पंजी भी बनता है। तो हमारी पहली रेसिपी है सैंडविच की। अब मैंने यहाँ पर एक बोल लिया है। मैं यहाँ ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच जितना प्याज, मतलब 3 सैंडविच बनेंगे इसमें से, इतनी क्वांटिटी आज मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद ये मैं डाल रही हूँ टमाटर, ये भी 2 बड़े चम्मच जितना, 2 चम्मच जितना ये कटा हुआ खीरा, कुकुम्बर या ककड़ी जो भी कह लीजिए, 2 चम्मच डाल रही हूँ। सभी चीज़ों को कोशिश करनी कि थोड़ा हम बारीक बारीक काटें। 2 चम्मच जितने ये मैंने गाजर इसमें ऐड कर दिए हैं। आप इसमें कटी हुई शिमला मिर्च और बीटरूट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा तीखापन देने के लिए आधी मिर्च, सिर्फ आधी मिर्च मैंने ली जिसको बारीक बारीक काट लिया। पिज्ज़ा के फ्लेवर देने के लिए 1/2 चम्मच जितना हम इसमें ओरिगैनो ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच जितनी मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है तो पिज्ज़ा सीजनिंग भी मिलती है, वो आप ले सकते हैं, या पिज्ज़ा मिक्स के नाम से भी मिलता है आजकल मार्केट में, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1/4 चम्मच जितनी कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर आपने डालना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिए का पत्ता, हल्का सा नमक डालना है इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ शेजवान चटनी, ये लगभग 1 या 1.5 चम्मच जितनी हम डालेंगे। शेजवान चटनी अगर आपके पास नहीं है तो और 2 ऑप्शन है, आप टोमेटो केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर तो आप पिज्ज़ा सॉस मिलता है ना, जो हम पिज्ज़ा बेस के ऊपर लगाते हैं, वो भी आप इसमें डाल सकते हो। तो लीजिए, मैंने इसे मिक्स कर लिया है। 2 मिनट के अंदर हमारी ये परफेक्ट स्टफिंग या फीलिंग बनके तैयार है। अब मैंने यहाँ पर सैंडविच ब्रेड्स ली है, इनके कॉर्नर्स हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और थोड़ा हेल्दी हो जाएगा। बटर मैंने 4 ब्रेड स्लाइस के ऊपर अप्लाई कर लिया है। अब इस सैंडविच में सैंडविच चटनी का इस्तेमाल मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि पिज्ज़ा वाले जो फ्लेवर्स हैं ना, आप सैंडविच चटनी यूज़ करते आपको पूरा मिक्स मिक्स लगता, मतलब पिज्ज़ा के फ्लेवर भी आ रहे हैं, फिर से सैंडविच चटनी का भी फ्लेवर आ रहा है, तो वो कहीं थोड़ा मैं अवॉइड करना चाह रही थी, इसलिए सैंडविच चटनी का इस्तेमाल नहीं किया। चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी जो बाकी बची ब्रेड स्लाइस है, इसके ऊपर मैंने हल्का सा केचप लगा दिया है, ये ऑप्शनल है। अब इसके ऊपर मैं छोटे चीज़ क्यूब को ग्रेट करके डालूँ, या आपने चॉइस से कम ज़्यादा आप डाल सकते हो। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ या फिर तो पिज़्ज़ा चीज़ है, वो जो स्ट्रेची इफेक्ट होता है वो उसमें ज़्यादा होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस एक के ऊपर आप इसे रखें, थोड़ा सा प्रेस करें, और जैसे आप नॉर्मली तवे पे या पैन पे सैंडविच रोस्ट करते हैं बटर लगा के, वैसे आपने रोस्ट करना है अच्छा गोल्डन कलर जब तक आए तब तक। और वेजिटेबल्स को हमने बिल्कुल फाइन चॉप किया था, इसलिए वो बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाएंगी। बीच में जो चीज़ हमने डाला था वो भी बढ़िया तरीके से मेल्ट हो जाएगा। तो ये बेहतर सा पिज्ज़ा के फ्लेवर वाला ये सैंडविच आप लोग को कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम दूसरी रेसिपी देख लेते हैं, जो है टोमेटो राइस, जो खाने में बेहद अच्छा लगता है। सीधा प्रेशर कुकर के अंदर बनाना है, जो 10 मिनट के अंदर बन जाएगा। इसे बनाने के लिए सीधा एक प्रेशर कुकर रख दीजिए, और मैं इसको बना रही हूँ देसी घी के अंदर। आप ऑयल या बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच जितना घी मैंने डाला है, इसे मेल्ट हो जाने देंगे। अब ये मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जितना जीरा, 1/2 चम्मच जितनी सरसों, सरसों इसमें ऑप्शनल है, बिल्कुल जरा सा हिंग, थोड़े से खड़े मसाले यूज करने हैं इसमें, जिसमें जाएगा 1 तेज पत्ता, 1 इंच जितना दालचीनी का टुकड़ा, 4 काली मिर्च के दाने, 2 लौंग के दाने और 3 हरी इलायची, जिन्हें मैंने थोड़ा सा खोल लिया है। बस यही चीज़ें डालना है। हम इसे मिक्स कर लेते हैं। 1 चम्मच जितना अदरक लहसुन को मैंने डाला है, क्रश कर लिया था, पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज का लंबे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज, और इसे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। अब ये हो चुका है, हम आज टोमेटो राइस बना रहे हैं, और जिसमें टोमेटो का फ्लेवर काफ़ी अच्छे से आना चाहिए, इसलिए आपको 2 टमाटर लेने हैं, और जिनको डायरेक्ट आपने मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है बस। और ये मेरे पास टोमेटो की प्यूरे आ गई, वो मैंने इसमें ऐड कर दी, और इसके साथ में मैं डाल रही हूँ नमक, ताकि ये बहुत जल्दी से पक जाए। अभी आपको कुकर के अंदर ये जो थोड़ा सा ऐसे लिक्विड सा दिख रहा है ना, मतलब टमाटर की प्यूरी जो है वो काफ़ी पतली दिख रही है, उसको पूरा सूखने तक हमें पकाना है, क्योंकि अगर ये कच्ची रहेगी, रॉ रहेगी, तो इसकी रॉ स्मेल आएगी। इसको ठीक से पकाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये कुछ इस हद तक हो जाना चाहिए, और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़े से टमाटर भी, क्योंकि वो दिखे हमारे राइस के अंदर, इसलिए हम डाल रहे हैं।
एक टमाटर, मतलब टोटल आप ये मान के चलिए कि हमने 3 टमाटर लिए, 2 टमाटर का हमने प्यूरे बना लिया और 1 टमाटर को काट के डाला है। अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले, जिसमें देखिए ये बेसिक से मसाले मैंने यूज़ किए हैं, जिसमें 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच जितना धनिया का पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, और ये बड़ा स्पेशल सा मसाला है, ये है आपका किचन किंग मसाला, ये आप इसमें ज़रूर डालें, और बिल्कुल ज़रा सी हल्दी। किचन किंग मसाला डालेंगे ना तो स्वाद बहुत अच्छा आता है, ये मसाला नहीं है तो आप नॉर्मल घर में जो आपके पास गर्म मसाला होगा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता, एक बार हम मिक्स कर लेंगे। अब जो है टमाटर राइस के लिए जो टमाटर का बेस है वो रेडी है, थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे। अभी देखिए ये कुछ इस हद तक जब हो जाए, मैंने यहाँ पर है ना 1 कप जितने चावल लिए थे जिन्हें अभी अभी मैंने वॉश किया, मैंने जिन्हें सोख होने के लिए नहीं रखा था, तो ये चावल मैंने इसमें डाल दिए। हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने 1 कप जितने चावल लिए थे तो जिसके लिए मैं 1.5 कप जितना पानी डाल रही हूँ उसी कप से नाप कर। बस सभी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, नमक हम पहले ही डाल चुके हैं, एडजस्ट करना हो आप कर लीजिए, और प्रेशर कुकर बंद करके आपको इसकी सिर्फ और सिर्फ 2 विसल निकालनी है मीडियम फ्लेम के ऊपर, और क्योंकि इसमें कोई दाल नहीं है तो बहुत जल्दी ये पक जाएगा। तो लीजिए गर्मा गर्म टोमेटो राइस खाने के लिए रेडी है। मैंने इसमें जो घर में मेरे नॉर्मल चावल थे ना वही यूज़ किए, कोई बासमती चावल मैंने इसके लिए यूज़ नहीं किए थे। रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हमारी तीसरी रेसिपी है, एक बोल लिया है मैंने, इसमें सबसे पहले हम ऐड कर रहे हैं गेहूं का आटा 1 कप जितना, 1/4 कप जितनी सूजी, ताकि जो डिश आज हम बनाने वाले ना उसमें थोड़ा सा क्रिस्पनेस आ सके। अब आटा तो आ गया, बारी है वेजिटेबल्स की, तो यहाँ मैं डाल रही हूँ लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच जितनी बारीक बारीक कटी हुई प्याज, 2 से 3 बड़े चम्मच कद्दूकस किया हुआ गाजर आ गया, 2 से 3 चम्मच जितना बारीक कटा हुआ टमाटर, मेरे पास है कद्दूकस किया हुआ 1/2 इंच जितना अदरक, और 2 से 3 हरी मिर्च जिनको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। अब लेंगे यहाँ पर हम धनिया पत्ता, जो आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है और फ्रेश भी मिल रहा है, 1 टीस्पून जितना हमने जीरा डालना है, कच्चा जीरा, और हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी अजवाइन लगभग 1/2 चम्मच जितनी, हाथों पे क्रश करके हम मिला देंगे। आप चाहे तो इसमें तिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके स्वाद को और भी बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप या फिर 2 से 3 चम्मच जितना आपने बेसन का इस्तेमाल करना है, नॉर्मल बेसन, और सभी चीज़ों को पहले हम सूखा मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पहले इसकी गुठलियाँ हमने आने नहीं देनी है, और फिर हम पानी को बढ़ाते जाएंगे। कंसिस्टेंसी मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसी चाहिए। ये देखिए, ना तो बहुत ज़्यादा पतला ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा ही हमें चाहिए, पोरिंग कंसिस्टेंसी होती ना वैसा आपने रखना है। ये रेडी है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। और बनाने के लिए तो बेहद ईजी है, आप तवा ले सकते हैं या फिर पैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हल्का सा ऑयल डालें, स्प्रेड कर लीजिए, और 1-1 कड़छी भर जितना बैटर आपने इसके ऊपर डाल देना है। पैन या तवा बहुत अच्छा जब गर्म होगा तो ये झट से पकना शुरू हो जाएगा और इसमें जाली बनना शुरू हो जाएगी, और यही हम चाहते हैं। गैस की फ्लेम को ना लो रखना है ना हाई पे रखना है, मीडियम पे सेट करके रख दीजिए। एक तरीके से ये डोसे ही बन गए, जालीदार डोसे। तो लीजिए, फटाफट बन जाने वाला ये नाश्ता भी तैयार है। अब बना लेते हैं हमारी चौथी रेसिपी। मेरे पास यहाँ पर है हरी मूंग, जिन्हें मैंने रात भर भिगोया था, और कपड़े में बांधने के बाद ये हल्के हल्के से अंकुरित हो चुके हैं, मतलब अब तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो गया। हम सीधा इसे एक मिक्सी जार के अंदर लेंगे और इसके साथ हम मिला देंगे ये 3 चीज़ें जो इसके फ्लेवर को बहुत अच्छा कर देगी। 1/2 इंच जितना अदरक आपने डालना है, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, और 4-5 हरी मिर्च आपने डाल देनी है। थोड़ा सा आप यहाँ पे डालेंगे धनिया पत्ता। पानी डालकर आपने इसकी बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेनी है, देखिए कुछ इस तरीके की। इसे मैंने साइड में रखा है और एक बोल के अंदर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा बेसन, 1/4 कप जितना ये बेसन है। बेसन को घोलने के लिए आप दूसरे पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो हमने मिक्सी में हरे मूंग जो हमने पीस के रखे ना उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा मैंने डाला है, हम इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए गुठलियाँ भी नहीं पड़ेंगी और अलग से दूसरा पानी आपने यूज़ भी नहीं करना है, इसी के साथ सारी मिक्सिंग आपने करनी है। चलिए बेसन आ गया, अब हम इसमें डाल रहे हैं 3/4 कप जितनी सूजी, क्योंकि सूजी डालना इसलिए ज़रूरी है, सिर्फ मूंग का ढोकला नहीं बन सकता, उसके डोसे बन जाएंगे लेकिन ढोकले नहीं बनेंगे, वो शेप को पकड़ नहीं पाएंगे, और सूजी यही हमें मदद कर देगी, इसलिए सूजी ज़रूरी है। अगेन सूजी को भिगाने के लिए आपने वही चीज़ यूज़ करनी, मतलब वही पानी यूज़ करना है जो हमने मिक्सी में मूंग का बना के रखा है। ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया,
अब जितना मेरे पास ये बचा था वो मैंने पूरा डाल दिया है, हम इसे मिक्स कर लेंगे। भले ही आपको अभी थोड़ा सा रनी लगे लेकिन सूजी पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी और थोड़ा सा ये बैटर फूल जाएगा। हम इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे ताकि ये थोड़ा हल्का हो सके। इसके बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक। हम ये ढोकले बना रहे हैं जो खाते वक्त गले में बिल्कुल ड्राई या सूखे सूखे फील ना हो, इसके लिए हम इसमें डाल रहे हैं कुकिंग ऑयल। ये लगभग 2-3 चम्मच जितना आपने डालना है। एक बार हम इसको मिक्स कर लेंगे और हमारे ढोकले का बैटर तैयार है। ये देखिए कंसिस्टेंसी, जैसे आप सूजी के ढोकले बनाते होंगे ना, बिल्कुल वैसे ही आपने रखनी है। बस 2 मिनट के लिए मैंने इसको रेस्ट पर रखा था और इसमें इनो फ्रूट सॉल्ट मिलाने से पहले, जिसमें आप ढोकला को स्टीम करने वाले हो उसको तेल वगैरह लगा के रेडी रखें, स्टीमर भी रेडी रखें। तो देखिए मैं यहाँ पे डाली हूँ 1 इनो का सैशे, आप ग्रीन या ब्लू कोई भी ले सकते हैं। तो ये मैंने पूरा डाल दिया, हल्का सा हम इसमें पानी डालेंगे ताकि एक्टिवेट हो सके और इसको हल्के हाथों मिक्स कर लेंगे और बस ये आपने पोर कर देना है इस टीन के अंदर। इनो की रिएक्शन बहुत जल्दी शुरू हो जाती है इसलिए टीन को आपने 3-4 तक भर ही देना है, क्योंकि ढोकला भी इससे थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा। और अब ये देखिए ढोकला बहुत अच्छे से कुक हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा पक चुका है और ये देखिए हमारा ढोकला स्टीम होके पूरी तरीके से तैयार है। इसे डीमोल्ड करने की जल्दबाजी आप नहीं करेंगे, इसे पूरा ठंडा हो जाने दें फिर हम इसे निकालेंगे। अब तड़का बनाने के लिए एक पैन के अंदर आप 2-3 चम्मच जितना ऑयल गर्म कर लीजिए। अपने सरसों, थोड़ा जीरा, फिर इसमें तिल, करी लीव्स, बस यही चीज़ें डालनी है। जब भी आप सूजी वाले ढोकले बनाते हैं ना, उसमें पानी नहीं जाता है, सिर्फ तेल वाला यही तड़का जाएगा जो हमारा रेडी है। अब ये मैं डीमोल्ड कर रही हूँ, मन चाहे पीसेस में आप इसको कट कर लीजिए। बेहद स्पंजी, सॉफ्ट और जालीदार बनके तैयार होता है और साथ साथ हेल्दी भी है। आप चाहे तो ना इसके डोसे भी बना सकते थे या जैसे अप्पम होता है ना वो भी बना सकते थे, कई चीज़ें। और बस तड़का डाल के गर्मा गर्म आप इसे सर्व करें। तो आपको हमारी आज की ये चारों ही रेसिपीज कैसी लगी, इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।